भेजे। फार्मा इलेवन के एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुके हैं, और कौन सा है असोर्टेड है, असोर्टेड से गुजारिश है कि अपना एक्स्ट्रा प्लेयर भेजे अगर मेरी आवाज आ रही है। असोर्टेड असोर्टेड के ट्वेल्थ मैन या फिर एक्स्ट्रा प्लेयर हेलो हाँ भैया बैट्समैन स्ट्राइक पर इधर से उधर से ना सोहेल 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 विजय नहीं जय स्ट्राइक करेंगे सोहेल और नॉन स्ट्राइक जेंद्रा सोहेल सब सेमी नहीं बोले भाई मैच के बोले इतने हेलो भैया बॉलर नेम हसनैन खान कमेंट्री एंड से अपने टीम का पहला ओवर लेते शुरुआत करेंगे इस इनिंग की। सामने सोहेल पहला बॉल काफी अच्छी तरीके से रिवर्सिव खेलते हुए काफी अच्छी फील्डिंग भी की फलस्वरूप दो रन इसी के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए बैट्समैन रूम बनाना चाहते थे किंतु मिस डॉट बॉल फलस्वरूप बिंदी गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और इसी के साथ ये पहली विकेट का पतंग
नए बल्लेबाज मुख्तार अहमद। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का 4 रन एक विकेट के नुकसान पर। भैया नाम नहीं पता है तो नाम पता वालों को भेजो ना कम से कम। हेलो बॉलर नेम कैप्टन बॉलर नेम मंसूर अंकुश। रंगरेज ब्रश हैंड से राइट एम ओवर। ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल फलस्वरूप एक एक्स्ट्रा रन। अंकुश रंगरेज ब्रश हैंड से बॉलिंग करते हुए और ये जीवन दान लो फुल टॉस गेंदबाजी की थी अंकुश ने। काफी अच्छा शॉट किंतु गैप नहीं ढूंढ पाए फलस्वरूप डॉट गेंद। इसके बाद का मैच जो खेला जाना है लेग स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के साथ वाइड गेंद लगातार दो गेंद सेम लाइन सेम दिशा में फेंक कर लेग स्टंप में वाइड गेंद। लगातार तीसरी वाइड। इसके बाद का मैच खेला जाना है गोल्डन अमरावती। अगर अमरावती गोल्डन अमरावती के कप्तान मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आए। गोल्डन अमरावती वाओ व्हाट अ फील्डिंग अपने ही काफी अच्छा फील्डिंग करते हुए विकेट कीपर निश्चित रूप से कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। और इस टूर्नामेंट की ये शायद सबसे लो स्टार्ट है। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है और ये ऑफ स्टंप से काफी बार एक और वाइट बॉल। कितनी छठी वाइट है इनकी पांचवी। इस ओवर में गेंदबाज ने लगात कम से कम 5 गेंद एक्स्ट्रा डाली है।
वाइट के फलस्वरूप। गोल्डन अमरावती फिर से व्हाइट बॉल। मैं आपको बता दूं इस टूर्नामेंट का यह सबसे लंबा ओवर फेंका जा रहा है। गोल्डन अमरावती टीम के कप्तान से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स पर आए। हेलो, तो काफ़ी अच्छा मुकाबला अभी अभी जितने भी दर्शक हैं उनको बता दूं कि अच्छा मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद यहाँ पे हल्की गेंद और डॉट जाती हुई गेंद और डॉट जाती हुई गेंद जब भी आएंगी गोल्डन गॉलिक बॉल ही होता है। ओवर की समाप्ति यहाँ पे तो दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बन चुके हैं यहाँ पे। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। तो यहाँ पे आप अभी भी जितने भी दर्शक आए उनको मैं बता देना चाहूँगा कि टीम असॉर्टेड उनके विरुद्ध में है फार्मा 11। इन दोनों टीमों के बीच में मैच खेला जा रहा है। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 16 रन बोर्ड के ऊपर लग चुकी है और यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था फार्मा 11 टीम ने। तो दो ओवर 16 रन। इसी बीच सुमित की अगली गेंद सुमित की अगली गेंद फेस करेंगे जयेंद्र। पटकी हुई गेंद अपसाइड के क्षेत्र में खेल दिया, पॉइंट का फील्डर वहां पे मौजूद और मात्र एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अगली गेंद शॉर्ट गेंद आसमान की तरफ जाती हुई गेंद ऊंची गेंद वहां पे फील्डर वहां पे मौजूद और यहाँ पे विकेट का पतन। तो जब भी विकेट आएंगे चार आएंगे तो डीजे हमारा बचता ही है। तो चलो दूसरी विकेट चले जाने के बाद अगले बल्लेबाज आए आवेश। आवेश खान बल्लेबाजी करने आए और आवेश खान साथ देंगे हमारे मुख्तार भाई सर। इनका काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं मुख्तार भाई सर, उनके लिए हम सलूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आरपीसीएल में यहाँ पे मैच खेलने आए हैं। मुख्तार सर आपका स्वागत है और आपका गुड लक। इसी बीच अगले बल्लेबाज अच्छी गेंद यहाँ पे हमें भी नजर नहीं आई लेकिन काफी अच्छा कड़क शॉट देखने को मिला, मात्र एक ही रन से संतुष्ट। अभी अभी अगले बल्लेबाज जो आए हैं आवेश खान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे है आवेश खान
सुमित की है गेंद, अगली गेंद फेस करेंगे आवेश। स्लोअर ऑन गेंद और पहली गेंद डॉट जाती हुई गेंद, खेलना चाहते थे कहा गई कहा लेकिन डॉट जाती हुई गेंद। तो चलो हम चर्चा कर रहे थे मुख्तार भाई सर इनकी, उनका हम स्वागत करते हैं आरबीसीएल ग्रुप में इस मैदान पे, क्योंकि काफी लंबे समय से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं और उनका पहला पैर भी क्रिकेट है। इसी बीच अगली गेंद सुमित की, स्लोअर वन गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर दौड़ रहे हैं लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। और इस एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बोर्ड में भी तकलीफ हो रही है, जैसा भी स्कोर बोर्ड आगे बढ़ेगा मुकाबला बढ़ेगा वैसा ही टारगेट बड़ा मिलेगा, यही एक क्रिकेट की खासियत होती है, बड़ा टारगेट हो या छोटा टारगेट हो टारगेट इंपॉर्टेंट होता है। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, यहाँ पे सेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, मिड ऑन के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक ही रन से संतुष्ट और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। तो चलो तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, मात्र दो विकेट चली गई है, तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 20 रन चले गए हैं, बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं और आप देख रहे हैं आरपीसीएल नंबर 6 टीम असॉर्टेड और उनके विरुद्ध में खेल रही है फार्मा इलेवन टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अभी तक तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पिच के ऊपर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं मुख्तार भाई सर, साथ ही साथ आवेश खान। अगली गेंद यहाँ पे बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, आउटफील्ड काफी तेज और नतीजा आप सभी के सामने 4 रन। डीजे मास्टर, डीजे प्लेकर होना ही चाहिए। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे मुख्तार सर की ओर से देखने को मिली, ऑन साइड के क्षेत्र में शॉट खेलते हैं, ऑफसाइड के क्षेत्र में भी शॉट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कलाई मोड़ना भी जानते हैं और जिस खिलाड़ी की कलाई मजबूत होती है वो बल्लेबाज काफी अहम माना जाता है। फुल टॉस गेंद यहाँ पे खेलना कहीं चाहते थे, अगर ये फुल टॉस गेंद का फायदा उठा सकते थे तो 4 ही हो सकती थी क्योंकि उस क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं है। अब बल्लेबाजी करने आए हैं, स्ट्राइक पे आए हैं आवेश, गेंदबाजी कर रहे हैं नीलेश और आप देख रहे हैं टीम असॉर्टेड विरुद्ध फार्मा इलेवन का मुकाबला। शॉर्ट गेंद कट कर दिया, शॉर्ट कॉर के फील्डर वहां पे मौजूद, डॉट जाती गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो देखा जाए देखा सिंपल सा एक्शन हमें नजर आ रहा है नीलेश की ओर से और उसी तरह का प्रदर्शन उनके गेंदबाजी से। कट कर दिया यहाँ पे आवेश खान ने पॉइंट के ऊपर से, जानते थे कि पॉइंट का फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है और काफी अच्छा शॉट, उस शॉट के साथ धीरे धीरे स्ट्राइक चेंज होती है। फिलहाल में स्ट्राइक पे आए हैं मुख्तार भाई सर। अगली गेंद नीलेश की, ओवर पिच गेंद, डिप्स के ओवर लेग में खेल दिया वहां पे, फील्डर वहां पे मौजूद और एक ही रन से संतुष्ट। देखा जाए तो अभी तक चौथा ओवर चल रहा है लेकिन 4 और 6 देखने को नहीं मिले, तो देखेंगे कब होती है आतिशबाजी। फिलहाल में अगली गेंद, जैसे कि हम बात कर रहे थे 4 और 6 की, उसी तरह का आक्रामक तेवर उठाया बल्लेबाजी इन्होंने, एक रन तो पूरा कर लिया, थोड़े से संभर हुए फील्डर उसका फलस्वरूप उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे कर लिए, तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तो काफी अच्छी गेंद थी यहाँ पे, 4 या 6 हो ही सकता था लेकिन फील्डिंग का भी काफी अच्छे प्रदर्शन देखने को मिला उस फील्डर द्वारा जो कि रंगरेज बस स्टैंड है उधर लगे हैं मिडॉन के क्षेत्र में, फील्डर काफी अच्छी फील्डिंग। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 29 रन बोर्ड के ऊपर लग चुकी है, 4 ओवर 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो चलो 5वां ओवर लेके आए हैं अगले बल्लेबाज, माफ करना अगले गेंदबाज,
वैभव। तो खुद का पहला, टीम की ओर से पांचों और लेके आए हैं वैभव, फेस करेंगे मुख्तार भाई। तो चलो पहली गेंद में दिशा से भटके वैभव, स्कोर जाप हो जाए 30 रन। अगली गेंद वैभव की फेस करेंगे मुख्तार सर। शॉर्ट गेंद, काफी अच्छा क्लास कर दिया है, कट कर दिया है, आउटफील्ड काफी तेज और नतीजा 4 रन। डीजे अगली गेंद यहाँ पे वैभव की, पहली गेंद थी जो वाइड के रूप में अतिरिक्त रन आए, उसके बाद में उन्होंने दूसरी गेंद आई, काफी अच्छा शॉट देखने को मिला मुख्तार भाई सर इनकी ओर से। क्रिकेटिंग शॉट कट कर दिया और मात्र उसे दिशा दी, 4 रन प्राप्त किए अपने बल्लेबाजी ने, खुद के लिए भी प्राप्त किए, टीम के लिए भी प्राप्त किए। इसी बीच अगली गेंद वैभव की, फेस करेंगे उसे मुख्तार भाई। उसी क्षेत्र में फिर से एक बार खेल दिया, लेकिन अगले टीम के कप्तान भी काफी चतुर, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान भी काफी चतुर, उन्होंने फील्डिंग वहां पे लगाई है, एक फील्डर तैनात किया है और मात्र एक ही रन से संतुष्ट। देखा जाए तो फील्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ऑफसाइड के क्षेत्र में 3 खिलाड़ी तैनात है, ऑनसाइड के क्षेत्र में मात्र 2 खिलाड़ी तैनात है, बैकसाइड के क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं है, गली के क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं है। अगली गेंद डॉट जाती गेंद हो सकती थी, लेकिन मात्र उसे 1 रन में कन्वर्ट किया। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ चुका है। बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं मुख्तार भाई, आवेश खान, गेंदबाजी कर रहे हैं वैभव और आप सभी जन एंजॉय कर रहे हैं RPCL नंबर 6। अगली गेंद मिडल के क्षेत्र में मात्र हल्के हाथों से उसे ढकेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट। तो चलो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बोर्ड के ऊपर 41 रन बन चुके हैं। 5 ओवर च्या षटकाच्या नंतर धावपळकावर धावा लागल्या, 41 41 धावा लागल्या आणि 2 फलंदाज स्तंभ मध्ये परतलेले आहेत। तो 5 ओवर 41 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। देखते हैं छठावर लेके कौन आते हैं, लेकिन तब तक चर्चा कर लेते हैं RPCL के बारे में। इस टूर्नामेंट का जो प्रथम पुरस्कार है 2 लाख है, रनर अप रहने वाली टीम को मिलेंगे 1 लाख। लेकिन ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है शान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और मान सम्मान के लिए, काफी अच्छा आयोजन पिछले 6 सीजन से। 2 साल टूर्नामेंट हो नहीं सका क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का महायुद्ध संपूर्ण वर्ल्ड में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे कोरोना से मुक्ति प्राप्त हुए। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइजर करते रहिए, क्योंकि अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल में आप सेफ है, यही इम्पोर्टेंट है। चलो 5 ओवर की समाप्ति, 41 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। तो चलो पहला गेंद तो काफी अच्छा था, रिवर्स खेलना चाहते थे, जानते थे कि अगली गेंद
लोअर फुल टॉस मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं और नतीजा आप सभी के सामने 4 रन। मुख्तार भाई जहां गेंद आ रही है वहां मार रहे हैं, फुलटस को काफी अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं और यही होता है अनुभव, एक्सपीरियंस वॉइस इन क्रिकेट, अनुभव बोलता है। अगली गेंद, ये देखो गेंदबाज ने भी काफी अच्छी गेंद डाली, अपने तेवर बदले और यहाँ पे सतीक यॉर्कर देखने को मिला, ऑफसाइड गेंदबाजी हो रही है। जानते थे कि मुख्तार सर काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट उन्होंने पढ़ लिया है तो उनके बल्ले से दूरी रखेंगे गेंदबाज। रिवर्स खेलना चाहते थे, कलात्मक फलंदाजी करना चाहते थे लेकिन डॉट जाती है गेंद। अगली गेंद यहाँ पे श्रीराम की फेस करने के लिए तैयार है मुख्तार, 2 डॉट गेंद आई है, अगली गेंद तो निश्चित रूप से 4-6 या प्रहार होगा। अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और यहाँ पे लेट स्टंपिंग, लेट थ्रो, लेकिन अंपायर अपने क्रीज में सुरक्षित। तो देखा जाए तो इस ओवर का जो इक्वेशन है 4 आया इस ओवर में और उसके बाद में गेंदबाज ने अपने गेंदबाजी में वापसी की है, 3 डॉट गेंदे, डॉट की यहाँ पे हैट्रिक होती हुई, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे श्रीराम की तरफ से, उनके राम नाम ने ही राम है, माफ करना नाम में ही रंग है और इस गेंद में भी काफी अच्छा रंग है जो हरा हरा रंग है और इस हरे रंग का एंजॉय है आरपीसीएल नंबर 6। अगली गेंद श्रीरंग की, काफी अच्छे रंग लाए हैं उन्होंने इस मैच में। अगली गेंद पटकी हुई गेंद कवर के क्षेत्र में, क्या क्रिकेटिंग शॉट खेल लिया, अगर ऐसा शॉट होता है तो तालियां बजनी चाहिए दर्शकों की ओर से, काफी अच्छे शॉट। देखने को मिला इनिंग का पहला सिक्स देखने को मिला, लेकिन जो शॉट था काफी अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, काफी अच्छा प्यार भरा शॉट देखने को मिला मुख्तार भाई सर की ओर से, और क्यों इतने साल से उनको अनुभव है ये दर्शा दिया इस शॉट में। अगली गेंद तो चलो सातवां ओवर चल रहा है, पहली गेंद स्टेट के क्षेत्र में खेल दी है, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा बहुत ज्यादा 51 रन, इस 1 रन को जुड़ा जाए तो 7 ओवर 1 बॉल 52 रन, स्ट्राइक पे अभी आए हैं मुख्तार भाई। यार क्या वेल थ्रो यार, ऐसे थ्रो के लिए तालियां बजनी चाहिए, काफी अच्छा थ्रो यहाँ पे विकेट कीपर। तो चलो 18 गेंदों में अपनी टीम के लिए 26 रन का योगदान दिया जिसमें 3 चौका और 1 षटकार था। अगली गेंद डॉट जाती हुई गेंद, लेकिन इससे पहले जो सिक्स आया था काफी अच्छा सिक्स देखने को मिला था, कदमों का उपयोग किया था मिड विकेट के क्षेत्र में, जो प्लेयर डगआउट है वहां पे सिक्स यहां पे तैनात किया था। इसके बाद होने वाला जो मैच है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, फिलहाल में अगली गेंद काफी अच्छा वेरिएशन आता हुआ गेंद और नतीजे आप सभी के सामने 6 रन।
बैक टू बैक दो सिक्सेस हमें देखने को मिले इस ओवर में। तो देखा जाए तो तीन गेंदों में 12 रन जुटाए यहाँ पे पीयूष, इन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली पीयूष द्वारा। अगली गेंद हल्की गेंद, स्लोअर वन गेंद, ऊंची गेंद, लेकिन मात्र 22 के रूप में आ रहे हैं अतिरिक्त रन। तो चलो ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर लग चुका है 65 रन। तो चला 7 ओवर षटक संपलेले आहे, 65 धावा बोर्ड वर लागलेले आहे आणि खूप चांगली अशी फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळालेली आहे फार्मा 11 संघाकडून। 65 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन। इसके बाद का जो मैच है गोल्डन अमरावती, उसके बाद में चौधरी कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों टीमों के बीच में मैच है। मैं चाहता हूँ कि दोनों टीम अपने प्लेइंग 11 की टीम हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे और साथ ही साथ एक अतिरिक्त खिलाड़ी भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे और आने वाले मैच के लिए सज्ज रहे। इस इनिंग का अंतिम ओवर लेके आए हैं सुमित, स्ट्राइक पे है आवेश, नॉन स्ट्राइक पे है पीयूष, 7 ओवर 65 रन। अगली गेंद पहली गेंद दिखी नहीं, डॉट जाती हुई गेंद, आने वाले 5 गेंदे आना बाकी, पहली इनिंग की 5 गेंदे आना बाकी। आप एंजॉय कर रहे हैं आरपीसीएल नंबर 6, मैच देख रहे हैं आप टीम असोर्टेड, उनके विरुद्ध में है फार्मा 11। फार्मा 11 टीम के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 7 ओवर 1 बॉल 65 रन। अगली गेंद स्लो रन गेंद, रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर वहां पे मौजूद और मात्र एक ही रन से संतुष्ट। पिछले ओवर में अच्छे बल्लेबाजी जिन्होंने की थी वो बल्लेबाज थे पीयूष, अभी स्ट्राइक पे आए हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद वहां पे कवर के क्षेत्र में, मिड ऑन के क्षेत्र में खेल दी है, फील्डर वहां पे मौजूद और यहाँ पे विकेट का पतन। तो चलो अगली गेंद लेके आए सुमित, डॉट जाती हुई गेंद, यहाँ पे विकेट कीपिंग में चतुराई देखने को मिली वैभव द्वारा, लेकिन यहाँ पे डिसीजन अभी आना बाकी है और जाहिर सी बात है कि डिसीजन नॉट आउट ही होगा क्योंकि बल्लेबाज जो सीमा थी, जो रेखा थी, उसके अंदर ही है। तो डॉट जाती हुई गेंद में भी उन्होंने रन जताए है, 22 के रूप में रन आ रहे हैं, जैसे भी रन आएंगे फार्मा 11 स्वागत ही करना चाहेगा। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, यहाँ पे बल्ले को छूती, तो चलो जैसे भी रन आएंगे स्वागत ही करना चाहेंगे, 22 के रूप में आएंगे, लेग्स 22 के रूप में आएंगे, वाइड के रूप में आएंगे, रन आउट के रूप में, माफ करना, नो के रूप में आएंगे, जैसे भी रन आएंगे स्वागत ही करना चाहेंगे। अगली गेंद यहाँ पे ऊंची गई है गेंद, फील्डर वहां पे संभल होते हुए, पहले ले रहे थे कैच विकेट कीपर, बाद में लेने चाहते थे बॉलर और यहाँ पे फिर से एक बार संभल होते हुए रन सेफ, बैट्समैन सेफ, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट थी ओवर की वो सेफ नहीं है, ओवर की समाप्ति। तो चलो 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बोर्ड के ऊपर रन लग चुके हैं 70। एक मिनट डीजे मास्टर। चलो 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 70 रन बन चुके हैं और टीम असर्टेड टीम को 71 रन का 71 रन का टारगेट मिला है। इसके बाद का जो मैच है गोल्डन अमरावती, उनके विरुद्ध में है चौधरी कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों टीमों के बीच में मैच है।
चला पंचांना विनंती आहे की लवकरात लवकर फिल्डिंग सजवावी, कारण की यानंतरचे सुद्धा सामने आपल्याला घडवून आणायचे आहे. तर आप सभी को बता दो की 8 ओव्हर की समाप्ति के बाद फार्मा इलेवन का जो स्कोर था 70 रन था और टीम असॉर्टेड टीम को 71 रन का लक्ष्य मिला है. तो चलो दूसरी इनिंग स्टार्ट करते हैं. खुद का पहला और टीम की ओर से पहला ओवर लेके आए हैं गुलाम. स्ट्राइक पे है स्टैनली, नॉन स्ट्राइक पे है हसनैन. इसी बीच गुलाम खुद का पहला ओवर लेके आए, फेस करेंगे स्टैनली. पहली गेंद यहाँ पे कड़क गेंद, काफी अच्छा शॉट, शॉट कवर के क्षेत्र में खेल लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और मात्र इस एक रन के साथ खाता खुलता हो टीम का और खुद का भी. तो चला यानंतरचा सामना जो होणार आहे गोल्डन अमरावती विरुद्ध कॉन्ट्रॅक्टर चौधरी, संघाला विनंती आहे का दोन्ही सुद्धा सज्ज असावं. अगली गेंद यहाँ पे गुलाम की, डॉट जाती हुई गेंद थी, स्लोअर वन गेंद थी, लेकिन उसे हल्के हाथों से दिशा दी और वहां पे रंग चेंज कर लिया, एक रन के रूप में कन्वर्ट कर दिया उसे. तो चलो गुलाम की अगली गेंद, फेस करेंगे स्टैनली. अच्छी गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से अनसेट के क्षेत्र में उसे ढकाल दिया, मात्र दिशा दी. अगली गेंद यहाँ पे, हमारे प्लेयर डगआउट के बाजू में नहीं के एक मसाज क्लब है, जो कि मसाज सेंटर जो उनका है वो ब्लाइंड है, उनको दिखता नहीं है. अगर किसी प्लेयर को या फिर किसी अन्य खिलाड़ी को, किसी प्रेक्षक को अगर मसाज करनी है तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं. अगर आपकी छोटी सी मदद उनको खुशी दे रही है तो ज़रूर जुड़िए. हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में ही उनका है मसाज सेंटर, मसाज पॉइंट. उनका भी हम स्वागत करेंगे RPCL में, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे एक अपना शॉप लगाया है जिसका मात्र शुल्क है 100 रुपीज़. तो अगर आप मेरे आवाज़ सुन रहे होंगे, जितने भी दर्शक है खिलाड़ी है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपको मसाज करनी है तो आप आ सकते हैं, आपकी एक छोटी सी मदद उनको खुशी दे सकती है. तो चलो खुद का पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके आया है पीयूष. स्ट्राइक पे है, स्ट्राइक पे सैंडली, नॉन स्ट्राइक पे है हसनैन. अगली गेंद यहाँ पे, पहली गेंद कवर के क्षेत्र में खेल दी, मिड ऑफ के क्षेत्र से खेल दी 4 रनों के लिए.
तो पहली गेंद पे यहाँ पे स्टैनली ने लगा दिया है शॉट चार रनों के लिए। पीयूष का जो पहला गेंद था काफी अच्छा था, लेकिन उसे कन्वर्ट किया चार में। दूसरी गेंद वहां पे अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। अगर ऐसी फील्डिंग होंगी तो जो टारगेट है 71 रन का। अच्छी गेंद यहाँ पे शॉर्ट गेंद। और रात में अगर क्रिकेट खेला जाए तो थोड़ा संभल के ही खेलना चाहिए, कभी गेंद दिखती नहीं है, कभी गेंद जल्दी आ जाती है, कभी पेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो फील्डिंग हुई थी इससे पहले जिन टीम के कप्तान थे 44 एज है, और क्रिकेट में एज मायने नहीं रखते, उनका नाम जो है विजय नाम है और उनके नाम में ही विजय है। इस तरह का विजय है क्योंकि इतने उम्र होने के बाद भी वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, RPCL को जुड़े हैं और यह अभी भी स्ट्रांग है। तो रियली प्राउड ऑफ यू विजय सर, आपका आने वाला जो सफर है वो भी अच्छा हो, आपको शुभकामनाएं। फिलहाल में बढ़ते हैं मैच की ओर। पीयूष की अगली गेंद ऊपी ऊपर उठी हुई गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद, मिड ऑन के क्षेत्र में आसान सा कैच, विकेट का पतन। तो काफी अच्छी गेंद थी यार, और यहाँ पे देखने को मिला आसमानी छे। तो चलो दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 18 रन, 18 रन बन चुके हैं। तो चलो मुख्तार सर, जिन्होंने बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी, यहाँ पे अभी गेंदबाजी की कमान उनके कंधों के ऊपर है। खुद का पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आए हैं मुख्तार सर, उनका स्वागत है। तो मुख्तार सर का पहला ओवर, स्ट्राइक पे है जैद, नॉन स्ट्राइक पे है स्टैनली। अगली गेंद लोअर गेंद यहाँ पे, और यहाँ पे जोरदार अपील। ये होता है अनुभव, मैंने पहले ही कहा था कि मुख्तार भाई सर, इनके पास काफी बड़ा लंबे समय से अनुभव है और एक्सपीरियंस वॉइस इन क्रिकेट, अनुभव बोलता है। और यहाँ पे पहले बॉल में अनुभव ने बोला। अगली गेंद, दूसरा गेंद उसी क्षेत्र में उसी लाइन लेन पे गिरा, मात्र एक ही रन से संतुष्ट, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मुख्तार सर। जानते हैं कि
जयेश जो गेंदबाज, जयेश जो बल्लेबाज है, अभी फिलहाल में तो अच्छे शॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि धीमी विकेट हो चुकी है, ओवर्स भी गिर रही है। अगली गेंद यहाँ पे फेस करेंगे उसे स्टेनली, स्लोवर वन गेंद और यहाँ पे खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र से जाता हुआ आसमानी 6 रन। तो अच्छी गेंद यहाँ पे, हेलो गोल्डन अमरावती, अगर मेरी आवाज आ रही है उनके टीम के कप्तान से पूछिए कि वो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। सॉरी सॉरी, डेड बॉल। हेलो गोल्डन अमरावती के कप्तान, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स पर आए। तो चलो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बोर्ड के ऊपर रन लग चुके हैं 26 रन, तो 26 रन बन चुके हैं और मात्र एक ही विकेट खोई है। तो चलो 3 ओवर 26 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगले गेंदबाज है शहबाज, फेस करेंगे उसे स्टेनली। अगली गेंद काफी लंबा यहाँ पे रन अप। तो काफी लंबा रनअप यहाँ पे, अच्छी गेंद। हेलो
हेलो तो चार हेलो 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 हेलो
तो पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 43 रन। डू यू लव वाचिंग क्रिकेट? व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू कैन गो फ्रॉम बीइंग अ क्रिकेट फैन वाचिंग इट ऑन टीवी टू बीइंग अ सर्टिफाइड क्रिकेट एनालिस्ट इन जस्ट 7 डेज? That's right. You can do this with no experience in data analytics or if you're in any job right now or even in college. Loss of 2 wicket. Hello. 18 गेंदे 28 रन. इक्वेशन इस तरह बनता हुआ 18 गेंदों में 28 रन.
तो 6 ओवर 51 रन, 12 गेंदों में लग रहे हैं यहां से 20 रन।